Assalamu alaikum, I am from the Progressive Model School main campus. First term syllabus, class 5, subject English, unit number 7, the magic paintbrush. Today our topic is the magic paintbrush. Magic paintbrush means जादू का paintbrush. Paintbrush मतलब ऐसा brush जिससे paintings या तस्वीर बनाई जाती हैं. Now we will read this chapter with its translation. Sumba lived on a big island in Indonesia and he loved to paint. As soon as he could hold a stick, he drew birds in the sand. As he grew older, he drew flowers and animals, then trees and their shadows. Very soon, people in the town began to remark on his talents. Have you seen pictures in his parents' house? Have you seen his mural in the doctor's clinic? He has not just good, he is very fast. He painted a picture of his three brothers in just half an hour. Sumba, इंडोनेशिया में एक बड़े से जजीरे पर रहता था. उसे तस्वीरें बनाने से बहुत इश्क था. जैसे ही वो एक छड़ी पकड़ने के काबिल हुआ, वो रेत में परिंदे बनाने लगा. वो बड़ा हुआ तो फूल और जानवर, फिर दरख्त और उनके साये बनाने लगा. बहुत जल्द कस्बे के लोगों ने उसकी सलाहियतों पर तबसरे करना शुरू कर दिए. क्या तुमने उसके वालदेन के घर में तस्वीरें लगी देखी हैं? या फिर क्या तुमने डॉक्टर के क्लिनिक में दीवारी तस्वीर देखी? वो महज अच्छा फनकार नहीं, बहुत तेज रफ्तार भी है. उसने अपने तीन भाइयों की एक तस्वीर सिर्फ आधे घंटे में बनाई. But Sumba was not satisfied. I want my pictures to look real. How can I draw the drop of water on the end of the leaf? लेकिन सुम्बा अपनी इन तस्वीर से मुतमईन नहीं था. वो चाहता था कि मेरी तस्वीरें हकीकी नजर आएं. मैं एक पत्ते के सिरे पर पानी का कतरा कैसे बना सकता हूँ? In his teens, Sumba continued to paint, but he was never satisfied with his pictures. I wish I had better paints and better brushes. If I had a paint box with 40 different colors, I could paint much better. लड़कपन में सुम्बा ने मुसब्बरी जारी रखी, लेकिन वो अपनी तस्वीर से मुतमईन न हुआ. काश मेरे पास बेहतर रंग और बेहतर ब्रश हो. अगर मेरे पास 40 मुख्तलिफ रंगों का पेंट का डब्बा हो, तो मैं इससे कहीं बेहतर तस्वीर बना सकता हूँ. Sumba was in his room one night thinking these things. He could not paint as he had no lamp, only a candle. Suddenly an old man in a long coat appeared near the foot of his bed, holding a wooden box. Who are you? Asked Sumba in a frightening little voice. The old man did not answer. He only said, I have brought you a present, Sumba. A new brush and some paints. Now your paintings will come to life. You will see. एक रात सुम्बा अपने कमरे में बैठा था. वो इन चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि वो मुसव्वरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक क्योंकि उसके पास लैंप नहीं था, बल्कि एक मोमबत्ती ही थी. अचानक एक लंबे कोट में मलबूस बूढ़ा एक लकड़ी का डिब्बा लिए उसके बिस्तर के पास नमूदार हुआ. सुम्बा ने उससे पूछा, आप कौन हैं? और सुम्बा डरे हुई हल्की सी आवाज में बोला. बूढ़े ने जवाब ना दिया, बल्कि उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ सुम्बा, जो कि एक नया ब्रश और चंद रंग है. अगर तुम देखोगे तुम्हारी तस्वीरें अब तुम देखोगे कि तुम्हारी तस्वीरें जिंदा हो जाएंगी. Sumba was so excited that he could hardly sleep. As soon as the sun rose, he took out the paint box and painted a bird. Its feathers gleamed as after a dive in a lake. Suddenly the bird raised its beak into the air, then began to sing. Finally it flew out of the window. Sumba इतना हैरत अंगेज हुआ कि उसकी नींद उड़ गई. जैसे ही सूर्य तुलू हुआ, उसने पेंट का डिब्बा खोला और एक परिंदे की तस्वीर बनाई. उसके पास झील में गोता लगाने के बाद के अंदाज में चमके
अचानक परिंदे ने हवा में चोंच उठाई, फिर चहचहाने लगा और आखिरकार वो उड़कर खिड़की से बाहर निकल गया। सुम्बा शोक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड ब्लिंक्ड, अ ड्रीम परहैप्स। ही क्विकली ड्रू अ ब्लैक स्पाइडर विद 8 लॉन्ग लेग्स एंड 2 ऑरेंज आईज। ही ड्रू द हेयर्स ऑन द स्पाइडर्स लेग एंड द स्पाइडर रैन ऑफ द पेज अक्रॉस द फ्लोर एंड अंडर द डोर। सुम्बा ने दाएं से बाएं सर हिलाया और पलकें झपकाईं कि ये शायद उसका कोई ख्वाब है। उसने जल्दी से 8 लंबी टांगों और 2 नारंगी आंखों वाली मकड़ी बना ली। उसने मकड़ी की टांगों पर बाल बनाए और मकड़ी सफे से नीचे फर्श के पार और दरवाजे के नीचे से भागती हुई निकल गई। सुम्बा न्यू दैट दे ओनली हैड 1 लैम्प इन द हाउस, सो ही पेंटेड अनदर बिग वन। देन ही पिक्ड इट ऑफ द पेज एंड हेल्ड इट हाई इन द हैंड्स। Look, father, I have made a lamp for you, he said. सुम्बा ये जानता था कि उनके घर में सिर्फ एक लैम्प है, लिहाजा उसने एक बड़ा लैम्प बनाया, फिर उसने उसे सफे से उठाया और अपने हाथों में बुलंद किया। देखिए अबू, मैंने आपके लिए एक लैम्प बनाया है, सुम्बा ने कहा। These were good times for Sumba's family. They had new possessions, 4 cows, a flock of ducks, new tools for the farm, then 4 water buffaloes. Whenever a person needed something such as a new coat or a new saucepan or a newly tiled roof, Sumba painted it. सुम्बा के खानदान के लिए ये बहुत अच्छा वक्त था। उनके पास नया असबाब, 4 गायें, बत्तखों की एक डार, खेत के लिए नए आलात, 4 भैंसें थी। जब भी किसी को किसी चीज की जरूरत होती, मसलन एक नया कोट या नया सॉस पैन या नई टाइलों वाली छत, तो सुम्बा उसकी तस्वीर बना देता था। When the town headman heard about Sumba's magic paint brush, he summoned Sumba with his paint box to his house. I need new furniture for my house, he said. Sumba did not want to anger the headman, so he painted 2 simple stools for him. These are too small, shouted the headman. Paint me some big chairs covered in gold and precious stones. Paint me some new clothes. Paint me a golden crown. Paint me a palace. जब कस्बे के सरदार को सुम्बा के जादू के पेंट ब्रश के बारे में पता चला, तो उसने सुम्बा को उसके पेंट के डब्बे के साथ अपने घर बुला लिया। मुझे अपने घर के लिए नया फर्नीचर चाहिए, उसने सुम्बा को कहा। सुम्बा उसको नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसके लिए 2 सादा सी स्टूलों की तस्वीर बना दी, जिस पर सरदार ने कहा, ये बहुत छोटे हैं, मुझे कुछ बड़ी कुर्सियों की तस्वीरें बना दो, सोने और कीमती पत्थरों से ढकी हुई। मुझे चंद नए कपड़ों की तस्वीरें बना कर दो, मुझे एक सोने के ताज की तस्वीर बना कर दो और मुझे एक महल की तस्वीर भी बना कर दो। But you don't need luxury goods when people in the town are hungry, argued Sumba. I will only paint things that people need, not what they desire. मगर जब कस्बे में लोग भूखे हैं, तो आपको ऐशो इशरत का सामान क्यों चाहिए, सुम्बा ने कहा। मैं सिर्फ वो चीजें बनाऊंगा जिनकी लोगों को जरूरत होगी, वो चीजें हरगिज नहीं जिनकी उन्हें तलब होगी। यू आर अ रूड बॉय, शाउटेड द हेडमैन। यू रिफ्यूज टू ओबे माई ऑर्डर, एंड ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू टेक सुम्बा एंड लॉक हिम इन अ रूम एट द टॉप ऑफ हिज हाउस। स्टे देयर, ही शाउटेड, यू विल हैव नो फूड एंड नो वाटर अंटिल यू पेंट व्हाट आई कमांड। तुम एक बदतमीज लड़के हो, सरदार ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे अहकामात मानने से इनकार करते हो। और उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि सुम्बा को ले जाएं और घर की चोटी पर बने एक कमरे में बंद कर दें। सरदार ने चिल्लाते हुए कहा, वहीं रहो, जब तक मेरे हुक्म के मुताबिक तस्वीरें नहीं बनाओगे, तुम्हें खाना और पानी नहीं मिलेगा। सुम्बा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड थॉट, देन ही रिमेम्बर्ड द फेस ऑफ द ओल्ड ऑफ द वाइज ओल्ड मैन, सो ही क्विकली पेंटेड अ लैडर, passed it through the window and leaned it against the side of the house. Then with his paint box under his arm, he climbed down the ladder and ran away. Sumba ने खिड़की से बाहर झांका और सोचा। फिर उसे दानिशमंद बूढ़े का चेहरा नजर आया,
लिहाजा उसने जल्दी से एक सीढ़ी बनाई, उसे खिड़की से गुजारा और घर के पहलू के साथ लगाया, फिर अपना पैंट का डब्बा बगल में दबाए वो सीढ़ी से नीचे उतरा और भाग गया। सुम्बा स्टेड आउट ऑफ द वे ऑफ द हेड मैन बट कंटिन्यू टू पेंट फॉर पीपल हु नीडेड हिज हेल्प। सुम्बा सरदार के रास्ते से दूर रहा मगर उन लोगों के लिए तस्वीरें बनाता रहा जिन्हें उसकी मदद की जरूरत थी। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर नाउ वी हैव वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। द फर्स्ट वर्ड इज सेटिस्फाइड मीन्स फुलफिल्ड, ग्लीम्ड बीम, ब्लिंक्ड मूविंग एन आई फास्टली, पोजिशन कंट्रोल ओवर, समॉन्ड कॉल फॉर, कमांड द पावर, लग्जरी कंफर्ट। नाउ वर्ड सेंटेंसेस, द फर्स्ट वर्ड इज सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड विद माई स्टडीज। होल्डिंग, ही इज होल्डिंग हिज बैग। ग्लीम्ड, द फीदर ऑफ डव ग्लीम्ड। ब्लिंक्ड, ही ब्लिंक्ड हिज आईज सरप्राइजिंगली। ओबे, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। स्टूडेंट्स मेक मोर सेंटेंसेज बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। नाउ कम टू द शॉर्ट क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड सुम्बा लिव्ड। आंसर, सुम्बा लिव्ड ऑन अ बिग आइसलैंड इन इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई सुम्बा वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द पेंटिंग। आंसर, सुम्बा वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज पेंटिंग बिकॉज ही वॉन्टेड हिज पिक्चर लुक्ड लाइक रियल। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डिड सुम्बा यूज हिज मैजिक पेंट ब्रश। आंसर, ही यूज हिज मैजिक पेंट ब्रश फॉर हेल्पिंग नीडी पीपल। द लास्ट क्वेश्चन, वॉज सुम्बा राइट टू रिफ्यूज द कमांड ऑफ द विलेज हेडमैन। आंसर, यस ही वॉज राइट टू रिफ्यूज द कमांड ऑफ द विलेज हेडमैन। स्टूडेंट दिस वॉज आवर टूडेज लेक्चर, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।